हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है डीएलएड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएलएड कोर्स क्या होता है, कितने साल का ये कोर्स होता है, इसको करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें आप क्या क्या पढ़ाई करते हैं, इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और हमें ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक ऐसा कोर्स होता है जिसको करने के बाद आप एक प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी टीचर स्कूल में फर्स्ट से फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये 2 साल का होता है। ये डिग्री नहीं होती है, डिप्लोमा होता है, ये 2 साल का होता है। इंडिया में आप कहीं से भी इसको करते हैं, इसकी ड्यूरेशन 2 साल ही होती है। अगर एलिजिबिलिटी या मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। कुछ स्टेट में या ये कहीं ज्यादातर स्टेट में मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है डीएलएड करने के लिए 12th। अगर आप 12th पास हैं और आपके मार्क्स 50% है, यानी आप जर्नल कैंडिडेट हैं और 12th पास हैं विद 50% मार्क्स, तो आप डीएलएड के लिए एलिजिबल होते हैं। पर कुछ ऐसे स्टेट भी होते हैं जहाँ पे ग्रेजुएट होना जरूरी है डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि यूपी और उत्तराखंड। यहाँ पे अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं देन यू मस्ट बी ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट मिनिमम 17-18 ईयर होती है, यानी आप अगर आप 17 या 18 साल के हैं कम से कम तो आप ये जो कोर्स है वो कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है एज की वो कुछ स्टेट में कोई लिमिट नहीं है, बट कुछ स्टेट में इसकी लिमिट है एज की। जैसे कि अगर हम यूपी या उत्तराखंड की बात करें तो स्पेशली यूपी में इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है, यानी 35 साल तक के अगर आप हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। अगर 35 साल से ज्यादा है तो ये कोर्स आप नहीं कर सकते। चलिए आप सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें एडमिशन किस तरीके से होता है। अगर हम इच्छुक हैं तो इसके बाद इसमें एडमिशन किस तरीके से लिया जाए, यानी एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर क्या होती है। तो यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस भी स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। कुछ स्टेट में मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होता है, यानी अगर 12वीं मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए या अगर ग्रेजुएशन चाहिए तो इनके बेसिस पर मेरिट तैयार होती है कि अगर 12वीं हमें कम से कम क्वालिफिकेशन चाहिए तो 12वीं में जितने आपके अंक है उसके अनुसार मेरिट प्रिपेयर की जाती है जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनकी। अगर ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर मेरिट प्रिपेयर की जाती है। तो मेरिट में अगर आपका स्थान आता है तब जाके आप डीएलएड के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी आप डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे स्टेट भी होते हैं जहाँ पे डीएलएड के लिए एंट्रेंस होता है, जैसे कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्टेट लेवल का एक एंट्रेंस होता है। जो भी अभ्यर्थी डीएलएड करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भरते हैं, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट में जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि जो कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद उनकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बाद उनको एक डाइट दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर डाइट के बारे में आपको नहीं पता है तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं या कहीं के ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि पूरे स्टेट में एजुकेशन के सेक्टर में काम करते हैं, उसकी पॉलिसीज के बारे में देखते हैं और दूसरी चीज ये है टीचर ट्रेनिंग का जो एरिया है वहां पर काम करते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी काउंसिलिंग के थ्रू क्या होते हैं सेलेक्ट होते हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि डाइट अलॉट किया जाता है। ये सिस्टम पूरे इंडिया में इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। भले आपका सिलेक्शन मेरिट से हुआ हो या एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो, गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको मिलता है वो डाइट ही कहलाता है। तो इस तरीके से फिर आपको डाइट जो है यानी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाता है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें, आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेज से करना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वहां पर जो टीचर होते हैं हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एक प्रॉपर तरीके का करिकुलम वहां पर अपना कर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है, आप काफी कुछ सीखकर वहां से निकलते हैं। हालांकि प्राइवेट कॉलेज में इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। बात करते हैं इसमें फीस की, तो फीस भी स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। जैसे कुछ स्टेट पे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा कम है, लगभग 10-11 हजार रुपए पर ईयर इसकी फीस है, बट कुछ स्टेट जैसे कि उत्तराखंड में थोड़ी सी ज्यादा फीस है। उत्तराखंड में 35,000 पर ईयर इसकी फीस है, यानी एक साल में आपको 35,000 देने होंगे, यानी फीस आपको 70,000 देने होंगे टोटल कोर्स की, और इसमें जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसकी फीस अलग होती है।
तो इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम बात करें कि इसमें आप क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जैसा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, जहाँ पे आपको चाइल्ड के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में पता लगता है। इसके अलावा साइकोलॉजी आप यहाँ पर पढ़ते हैं, मेंटल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप टीचिंग स्किल्स, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, और भी कुछ सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें, हमें ये वाली चीज ऑलरेडी पता है कि बीएड और डीएलएड जो है एक वोकेशनल कोर्स होता है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, इंटर्नशिप भी होती है। तो अगर हम डीएलएड में इंटर्नशिप की बात करते हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर में 24 दिन की एक इंटर्नशिप यहाँ पे आपको करनी होती है, जिसमें संडे इंक्लूडेड नहीं होते हैं। इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर में 6 मंथ्स की इंटर्नशिप आपको करनी होती है, जो आप किसी और स्कूल में जाके करते हैं। ये जो होती है, इस ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर आपको लेसन प्लान्स बनाने होते हैं। उस स्कूल में आपको प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपके लेसन प्लान्स को चेक करते हैं और आपकी प्रॉपर अटेंडेंस होती है वहाँ पे। प्रिंसिपल जो आपको लास्ट में इस इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट देते हैं, जैसा वो आपको ग्रेड देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इस सेमेस्टर में मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इंटर्नशिप होती है। तो ये तो बात हो गई कि कैसा इसका कोर्स स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है इसके पास। तो देखिए, किसी भी चीज को लेकर 100% गारंटी तो नहीं होती है कि अगर आपने डीएलएड कर लिया तो 100% आपको जॉब मिल जाएगी, बट फिर भी बहुत गारंटी है डीएलएड के बाद जॉब मिलने की। इसका रीजन ये है कि अगर हम डीएलएड और बीएड को कंपेयर करें, तो डीएलएड के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं जॉब के। इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, पर इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि जॉब में आपका सिलेक्शन किस तरीके से होता है अगर आप डीएलएड कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें, तो एक बार आपकी डीएलएड कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वैकेंसी अगर आती है आपके स्टेट में, तो मान लीजिए आपके स्टेट में वैकेंसी आ गई है, तो अब आपको उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, आपके पास बस डीएलएड का वो होना चाहिए डिप्लोमा, यानी डीएलएड आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और आपके पास टेट होना चाहिए, यानी टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, जो फर्स्ट पेपर होता है वो। जैसे अगर आप उत्तराखंड में है तो यूटेट का फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए और डीएलएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर इतना है तो बस आप वैकेंसी के लिए फॉर्म भर दीजिए, आपको कोई भी एंट्रेंस यहाँ पे अलग से देने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है सिलेक्शन किस तरीके से होता है। तो जो आपके डीएलएड के मार्क्स होते हैं उनका 60% वेटेज लिया जाता है और आपके टेट मार्क्स का 40% वेटेज लिया जाता है, और इसको मिलाकर सभी कैंडिडेट्स की एक मेरिट तैयार की जाती है, और वैकेंसी के अकॉर्डिंग फिर मेरिट का कट ऑफ कितना जाएगा ये देखा जाता है कि कितने मार्क्स वालों को सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर मेरिट में आप स्थान प्राप्त करते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है और आपको जल्दी ही स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। तो इस तरीके से सिलेक्शन होता है स्टेट में। अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं, जैसे अगर केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर बनने के लिए भी आपको एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों देने पड़ते हैं। अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में आपको डिपेंड करता है, वैसे तो ज्यादातर ये होता है कि इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू और डेमो के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं कि डीएलएड का जो कोर्स होता है ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज ये है कि वाकई में क्या आप टीचर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। अगर बनना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं इस कोर्स को करने के बारे में। और दूसरी चीज ये है कि आपके पास अगर इससे कोई बेटर ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है आप वही चूज करेंगे, बट अगर आपको लगता है कि ये अच्छा ऑप्शन है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। बट अगर हम कुछ क्राइटेरिया पर कंपेयर करके देखें तो हम कह सकते हैं कि डीएलएड कोर्स आपको ऑप्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप 12th पास हैं, तो 12th पास के बाद डायरेक्टली आप डीएलएड में एडमिशन लेकर एक प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर स्टेट में यही रूल होता है कि 12th के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपको लगता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड है, तो भी आप ग्रेजुएशन के डायरेक्ट बाद डीएलएड के एग्जाम देके या मेरिट के बेसिस पर डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम बीएड से कंपेयर करते हैं, तो बीएड और डीएलएड में अगर हम देखें कि विच इज अ बेटर कोर्स, तो अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें तो डीएलएड ज्यादा सही है। इसके कई रीजन है, जैसे कि प्राइमरी में ज्यादा वैकेंसी निकलती है, चाहे वो स्टेट हो और चाहे वो हमारा सेंट्रल हो। हमने केवीएस में भी देखा, लगभग 6,500 वैकेंसी थी प्राइमरी टीचर की, बाकी सब्जेक्ट की काफी कम थी, तो वैकेंसी ज्यादा निकलती है। दूसरी बात यह है कि अगर हम स्टेट की बेसिकली बात करते हैं, तो यहां पर आपने अगर एक बार डीएलएड कर ली, टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया,
उसके बाद आपको कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती है जॉब के लिए। अगर वैकेंसी आती है तो मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। जबकि अगर मैं बीएड की बात करूँ तो बीएड में पहले आप बीएड भी करते हैं, फिर आप टेट भी क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसका आपको एग्जाम और इंटरव्यू भी देना पड़ता है। तो काफी लंबा प्रोसीजर होता है और बहुत मेहनत की भी यहाँ पर जरूरत होती है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि डीएलएड थोड़ा सा ज्यादा सेफ कोर्स है एज कम्पेयर टू बीएड। तो इस तरीके से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं डीएलएड, तो आपको जरूर करनी चाहिए। इसमें बीएड के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, पर बीएड के अपने फायदे होते हैं। जैसे कि अगर आप जूनियर टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप पीजीटी बने, तो इसमें फिर आपके लिए बीएड ही ज्यादा बेटर होती है। इस तरीके से ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी सजेशन हो या आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।